दोस्तों भारत में इस साल वर्ल्ड कप 2023 खेला जाना है और वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है और फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। जबकि वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वही इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो सकती है, जबकि चोटिल खिलाड़ी ऋषभ पंत को भी मौका दिया जा सकता है। तो वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, कौन से शेर खिलाड़ियों की वापसी होने वाली है और कौन से दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हुए हैं, तो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप भी चाहते हो कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंडिया में वापसी हो और टीम इंडिया फिर एक बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 जीती, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया को साल 2021 में अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता चुके पूर्व कप्तान एमएस धोनी बहुत ही जल्द ही टीम इंडिया में वापस आने वाले हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई धोनी को वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का मैटर बना सकती है। धोनी को इससे पहले साल 2021 में टीम का मैटर बनाया गया था। वही वनडे वर्ल्ड कप 2023 में एमएस धोनी की वापसी हो सकती है, क्योंकि धोनी जैसा कप्तान टीम इंडिया को कभी नहीं मिल पाएगा। हालांकि धोनी मैटर बनेगी या नहीं इस बात पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की टीम की तरफ से चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है और उन्हें वर्ल्ड कप 2023 के लिए मौका दिया जा सकता है। ऋषभ पंत अपने चोट से धीरे धीरे उभर रहे हैं और टीम इंडिया में जल्द ही वापसी करने वाले हैं। जबकि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी कोई महीनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और वनडे वर्ल्ड कप के लिए जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो सकती है। वही वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया में कौन से शेर खिलाड़ियों को जगह दी है। तो टीम इंडिया में नंबर एक पर रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगला नाम आता है शुभमन गिल का, तो शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नाम आता है विराट कोहली का, तो विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और मैदान में उतरेंगे बल्लेबाजी करने के लिए। उसके बाद नाम आता है श्रेयस अय्यर का, श्रेयस अय्यर भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेंगे। उसके बाद अगला नाम आता है सूर्य कुमार यादव का, तो सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगला नाम है केएल राहुल का, तो केएल राहुल टीम इंडिया में ओपनिंग बल्लेबाजी की भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद अगला नाम है ऋषभ पंत का, तो ऋषभ पंत वनडे वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। उसके बाद अगला नाम है हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला नाम है रविंद्र जाडेजा का, तो रविंद्र जाडेजा अपनी स्पिनर गेंदबाजी से टीम इंडिया को अच्छी तरीके से शुरुआत दिलाएंगी। उसके बाद अगला नाम है अक्षर पटेल का, तो टीम इंडिया को अक्षर पटेल एक अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत दिलाते हुए नजर आएंगी। उसके बाद अगला नाम है मोहम्मद सिराज का, तो मोहम्मद सिराज अपनी तेज गेंदबाजी से तहलका मचाने वाले नजर आएंगी। उसके बाद अगला नाम है मोहम्मद शमी का, तो आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले ये खिलाड़ी मोहम्मद शमी थे और इसके चलते वर्ल्ड कप में उनकी जगह पक्की हो चुकी है। उसके बाद अगला नाम है जसप्रीत बुमराह का, तो कई दिनों से मैच के बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की कर चुकी है। उसके बाद अगला नाम है कुलदीप यादव का, तो दोस्तों टीम इंडिया में स्पिनर गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी है और इसके चलते दोस्तों कुलदीप यादव को भी वनडे वर्ल्ड कप में खिलाया गया है। उसके बाद अगला नाम है हर्षदीप सिंह का, तो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी यानी कि दोस्तों हर्षदीप सिंह को भी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए जगह मिली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसी टीम के साथ टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।